जी साद बिन मुजाहिद वॉक कर चुके हैं, टेनिस मार्क हो रही है। साथ भी मुझे तो नहीं गया, ये फिजाए साथ प्रेजेंट फिजाए साथ मोहम्मद फैसल प्रेजेंट है, ठीक है। अलीना सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद उमर खान ठीक है, प्रेजेंट है। शाहिद शाहिद सही है, प्रेजेंट है। मुस्तफ़ा मुस्तफा ठीक है, प्रेजेंट है। फरिया फैसल ओके प्रेजेंट है। अर्श मोमिन, अर्श मोमिन प्रेजेंट है। शेख मोहम्मद उमर शाहिद, शेख मोहम्मद उमर शाहिद नहीं, अच्छा शेख आयशा शाहिद प्रेजेंट है। ज़कवान आबिद प्रेजेंट सर, आप फर्स्ट में नहीं थे ना, फर्स्ट आउट। मोहम्मद असद सनाउल्लाह, असद सनाउल्लाह प्रेजेंट है। जुबेर अख्तर ठीक है, प्रेजेंट है। हमजा कमाल, हमजा कमाल प्रेजेंट है। उमर शायद आपने कॉल नहीं किया था, दो बार तीन बार कॉल किया आपका, अब आपने रिप्लाई किया ठीक है, प्रेजेंट मार्क कर दिया। अच्छा हाफिज मोहम्मद जफीर ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद उमर सिद्दीकी ठीक है, प्रेजेंट है। सैयद मोहम्मद तकी रजा सही है, प्रेजेंट है। चलिए स्लाइड्स पर आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रोसीजर्स की। प्रोसीजर्स में जब भी कोई प्रोसीजर कॉल करना होगा तो हमें कॉल का कीवर्ड यूज करना होगा, ठीक है। ये तो आप करते ही हैं, कोई भी प्रोसीजर कॉल करेंगे चाहे रिवाइन का हो चाहे अपना हो, उसको कॉल करवाना होगा तो जाहिर कॉल लिख के फिर आप उसके प्रोसीजर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये दिखा है कि जो है कोई स्त्री कितने बजे, जफीर खान पूछ रहे हैं। जफीर खान कोई स्त्री जो है ना, कोई स्त्री होगा या कोई स्कोर होगा सर? ये जफीर जो है इनका कोई स्त्री रह गया था, इनने आपको ईमेल किया था मेडिकल रीजन से कोई। अच्छा अच्छा नहीं, वैसे अभी कोई स्कोर होगा ना, वैसे तो हमारा यस सर कोई स्कोर होगा, इनका कोई स्त्री रह गया था। हाँ आपका मेडिकल लिखा था, मैंने आपसे कहा था ना आप मुझे बताइएगा, आपको मैंने कहा था ना कि अगला कोई होगा उसमें एडजस्टमेंट होगी आपके, तो बस आपको स्कोर होगा तो फिर बताइएगा, याद कराइए। अच्छा कॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो हम यूज करते हैं जब भी किसी भी प्रोसीजर को कॉल करना, तो स्टैक के अंदर पुश किया गया पुश इज ऑफसेट ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द स्टैक, ठीक है। होता क्या है कि एक्चुअली स्टैक यूज होता है जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं ना,
फंक्शन की कॉलिंग में या प्रोसीजर की कॉलिंग में बैकग्राउंड में स्टैक चल रहा होता है। स्टैक के अंदर जो है वो उसकी जो है समझे सारा जो कंट्रोलिंग होती है फंक्शन की या प्रोसीजर की जो कंट्रोलिंग होती है वो सारी स्टैक के जरिए होती है। तो द रिटर्न इंस्ट्रक्शन रिटर्न्स फ्रॉम अ प्रोसीजर पॉप टॉप ऑफ द स्टैक इनटू। अच्छा यहाँ पर ये देखिएगा होता है क्या है रिटर्न क्या कैसे जो है स्टैक को सपोर्ट करता है। यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड मैकेनिज्म यहाँ पर समझाया गया है कि इधर देखें इस कॉल और रिटर्न का मैकेनिज्म आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मेन प्रोसीजर है और मेन प्रोसीजर में आपने लिखा कॉल माय सब। कॉल माय सब एक प्रोसीजर है जो कि आपने ही बनाया है, नीचे लिखा हुआ है कॉल माय सब के नाम से एक प्रोसीजर है ठीक है। इसको कॉल किया जा रहा है, इसका एड्रेस क्या है 20, बाकी तो लीडिंग जीरोज है आगे। इसका मेमोरी एड्रेस जो है ना वो 20 है, 20 पे कॉल किया है ठीक है। अब अगला इसका एड्रेस कौन सा है 25, तो इस पे अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी मूव वाली। लेकिन जाहिर है जब 20 पे फंक्शन कॉल कर लिया तो कंट्रोल तो यहाँ से चला जाएगा ना इस तरफ, इस मेमोरी लोकेशन पे कंट्रोल तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। तो होगा क्या कि जो अगला इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अगली जब ये फंक्शन खत्म होगा तो वापस इसको यहाँ पर आना है 25 पे जहाँ से कॉल किया गया था, उसके फौरन बाद एड्रेस 25 पे आना है ताकि ये इंस्ट्रक्शन चले। तो ये कैसे मुमकिन है वो देखें। जब ये फंक्शन कॉल होगा कॉल माय सब तो करेगा ये कि जो अगला एड्रेस है 25 उसको वो फौरन जो है कहाँ रख देगा, इसको जो है ना वो जाके स्टैक में रख देगा कि 25 को जो है स्टैक में रख देगा। फिर जो है 440 पे जंप कर जाएगा 440 पे। 40 कौन सा है, 40 यही है प्रोसीजर ठीक है, जो जहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन चल रही है। जब रिटर्न का कीवर्ड आएगा तो ये एक्चुअली पॉप करा लेगा उसी वैल्यू को और वापस आप 25 पे चले जाओगे। इस तरह से वापस आएगा ये, देखो जैसे यहाँ पर देखिएगा कॉल जैसे कॉल इंस्ट्रक्शन कॉल की तो 25 जो है चला गया स्टैक में। ये देखें 25 जो था वो स्टैक में चला गया क्योंकि 25 जो है उसके फौरन बाद था। इसको इसने कहाँ भेज दिया, इसने कहाँ भेज दिया स्टैक में। ESP जो है स्टैक का टॉप आइडेंटिफाई कर रहा है ठीक है। EIP जो है वो अगला स्टेशन जो चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास रखता है EIP। अब जाहिर है अगला स्टेशन कौन सी चलेगी, जैसे कॉल माय सब की अगली स्टेशन कौन सी चलेगी, ये फंक्शन जो कि 40 एड्रेस पर है। तो EIP अब जो है वो बताएगा कि आप 40 पे कंट्रोल ट्रांसफर होगा ताकि क्योंकि अब फंक्शन एग्जीक्यूट होने जा रहा है। तो EIP रजिस्टर जो है वो अगली स्टेशन जो चलने वाली वो एक फंक्शन है उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करेगा। तो जब आप रिटर्न करोगे ना, रिटर्न कर जब आप रिटर्न का कीवर्ड यूज करोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप रिटर्न का कीवर्ड यूज करोगे तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन पॉप जीरो टू रिटर्न इंस्ट्रक्शन पॉप 25 फ्रॉम द स्टैक इनटू EIP। तो वो स्टैक से 25 जो स्टैक में रखा था उसको पॉप कर देगा। कहाँ पे पॉप कर देगा, EIP। तो EIP में वापस पॉप यानी अगली इंस्ट्रक्शन जो चलेगी वो 25 चलेगी। 25 कौन सी है अगली इंस्ट्रक्शन, जाहिर है क्योंकि जब ये खत्म होगा जैसे रिटर्न का कीवर्ड आएगा, रिटर्न का कीवर्ड आते ही वो 25 को पॉप कर लेगा और EIP में रखवा देगा जो कि अगली स्टेशन चलने का रजिस्टर है। और अगली स्टेशन जाहिर है फिर वो 25 चलेगी। इस तरह से कंट्रोल यहाँ पर ट्रांसफर होता है ठीक है। ये मैकेनिज्म समझाया गया, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को किस तरीके से जब जहाँ से फंक्शन कॉल किया जाता है उसके अगले बार अगली लाइन पे कैसे कंट्रोल ट्रांसफर होता है। उसको स्टैक में रखवा देता है जब EIP जो जाहिर है वो फंक्शन की तरफ चला जाता है, जब रिटर्न का कीवर्ड आएगा दोबारा स्टैक से पॉप करा लेगा, दोबारा वापस भी आ जाएगा, तो मतलब वहाँ आ जाएगा जहाँ पर से कॉल किया गया था उससे अगले स्टेशन पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से होता है, यानी कि नेस्टेड प्रोसीजर की अगर हम बात करें, अब देखें जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका मेन प्रोसीजर है, मेन प्रोसीजर से कॉल किया कॉल सब वन ये आपका अगला प्रोसीजर है, वहाँ पर कॉल हुआ और यानी कि मेन से जैसे ही आपने कॉल किया सब वन तो वो उसने क्या कर दिया,
मेन प्रोग्राम से जो है वो मेन प्रोग्राम को स्टैक में रख दिया, यानी अगली स्टेशन की जो एग्जिट की स्टैक में रख दी और वो वापस मेन पे आएगा। फिर जो है जब आपने सब वन प्रोसीजर जो चल रहा था, जब उसके अंदर से आपने सब टू कॉल किया, एक और फंक्शन कॉल की कॉल सब टू, तो सब वन को जो है स्टैक में रख देगा ताकि वापस वहीं पर आए। और जब सब टू चल रहा था, ये रहा सब टू, सब टू जब चल रहा था उसने वहाँ पर सब थ्री को कॉल किया तो वो सब टू को स्टैक में रख देगा, तो सब थ्री चलेगा। जब सब थ्री का रिटर्न आएगा तो सब टू जो है पॉप हो जाएगा स्टैक से, ये पॉप क्योंकि ये पी सी को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो सब टू पॉप होगा तो सब टू पे, यानी कंट्रोल सब टू पे आ जाएगा यहाँ पे। फिर जब सब टू रिटर्न करेगा, जब सब टू का रिटर्न आएगा तो फिर ये सब वन पे जो है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। और जब सब वन का रिटर्न आएगा तो वो मेन प्रोग्राम पे रिटर्न कर देगा। इस तरह से वैल्यूज जो है स्टैक के जरिए मेंटेन होती है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल किया तो सब स्टैक में जाता रहता है, और जैसे ही रिटर्न का कीवर्ड आता है तो वापस वो फिर जो एड्रेस है वो पॉप होना शुरू हो जाता है और आप वापस पिछले फंक्शन में चले जाते हैं। क्लियर होगी नेस्टेड प्रोसीजर कॉल्स? एनी क्वेश्चन? अच्छा देखिए, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, लोकल लेवल और ग्लोबल लेवल्स, ये पढ़े आपने लैब में? ग्लोबल लेवल पढ़ा है, ये चार डॉट, ठीक है होगा ये, ठीक है शामिल करें। अब देखिए मेन प्रोसीजर ये होता क्या है, क्योंकि एक होता है लोकल, जैसे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, इसी तरह लोकल और ग्लोबल लेबल्स भी होते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो ये क्या, इसको यहाँ से समझते हैं ताकि इसकी हमें विजिबिलिटी समझ में आए कि लोकल और ग्लोबल लेबल्स की विजिबिलिटी कैसे काम करता है। पहले तो हम गए मेन प्रोसीजर में, मेन प्रोसीजर में जाके किया जंप L2। अब जंप L2 कर रहा है तो जंप L2 जो है वो L2 पे जंप जो है, यानी कि यहाँ पर जंप करवाना चाह रहा है, और ये जाहिर है मेन फंक्शन से बाहर है, मेन तो फंक्शन यहाँ खत्म हो गया ना, मेन फंक्शन से बाहर एक लेबल बना हुआ है L2, उस पर जंप करवाने को कह रहा है, तो ये एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि मेन प्रोसीजर के अंदर ही लेबल होना चाहिए ना, मेन के बाहर जो है एक लेबल है जिस पे जंप करवाया जा रहा है, और ये लेबल चूंकि ये लोकल लेबल कहलाता है क्योंकि इसमें दो डॉट है, एक ही कॉलन बना हुआ है, कॉलन कहते हैं ना इसको, तो ये कॉलन का साइन है, तो एक ही कॉलन बना हुआ है यहाँ पे, तो ये लोकल लेबल है, ये फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, इसलिए आएगा एरर। या आपने मेन प्रोसीजर में ऐसा लेबल कॉल किया, जंप करवा रहे हो, ऐसे लेबल पे जंप करवा रहे हो जो कि मेन के अंदर है ही नहीं, वो मेन के बाहर है। अच्छा, मेन के बाहर फिर आप सब टू पर आए, सब टू पर आपने लिखा L2, और सब टू में आए, सब टू में L2 है, और उसके अंदर आपने लिखा जंप L1। अब जंप L1 ये ओके हो जाएगा, क्यों ओके हो जाएगा? L1 जो है वो मेन में है लेकिन उसके अंदर चार डॉट्स है, ये ग्लोबल लेबल है, तो हालांकि ये सब टू के अंदर नहीं है, ये जो लेबल है L1 ये सब टू में नहीं है, ये तो मेन में है, लेकिन ये जंप कर जाएगा। क्यों जंप कर जाएगा? क्योंकि ये ग्लोबल लेबल है, इसके अंदर चार कॉलन है, तो जो चार कॉलन होते हैं, चार कॉलन से अगर कोई लेबल को डिफाइन करोगे तो वो फंक्शन से बाहर एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर दो कॉलम का लेबल है उसको फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट होगा। ये बात क्लियर हुई? ये लेबल दो तरह के हैं, लोकल और ग्लोबल। ग्लोबल लेबल की और निशानी क्या है? आप चार डॉट्स लगा दोगे लेबल के आगे, और किसी और फंक्शन से उसको कॉल किया जाएगा तो वो एक्सेसिबल होगा, लेकिन अगर सिर्फ दो डॉट वाला लेबल है
और वो किसी फंक्शन से बाहर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे, उसको जंप कराने की कोशिश करोगे, फंक्शन के बाहर से जंप करवाना चाह रहे हो ऐसा लेबल को जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर है, तो वहां पर एरर जनरेट होगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसका? लोकल और ग्लोबल लेवल्स के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं सही। तो यहाँ पर पैरामीटर्स के बारे में, अच्छा ये प्रोसीजर पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है, और वो ये देख लीजिए क्या बात हो रही है। तो एरे सम का नाम से एक प्रोसीजर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, एरे सम प्रोसीजर का नाम है। अब कह रहे हैं मूव ESI 0, ये एरे इंडेक्स कर रहा है यहाँ पर, ये कर क्या रहा है कि ये वही कर रहा है एरे की सारी वैल्यू को ऐड कर रहे हो, एरे की सारी वैल्यू को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो वो उसका एक फंक्शन बना दिया, एक प्रोसीजर बना दिया एरे सम के नाम से, ये करेगा ये देखे लिखा हुआ है एरे सम प्रोसीजर कैलकुलेट द सम ऑफ एन एरे, एरे का सम है उसको मतलब जो एरे के जो वैल्यूज है उनको सम अप करेगा। It makes two references to specific variable names. तो यहाँ पर आप देखें हमने कराया मूव ESI 0, 0 मूव करा दिया ESI में, और मूव EX 0, 0 मूव करा दिया EX में, मूव ECX लेंथ ऑफ माय एरे, तो लेंथ ऑफ माय एरे, माय एरे की जितनी भी लेंथ होगी, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एरे में, अब एरे जो है हो सकता है ये बाहर डिक्लेयर हो, ठीक है, मेन प्रोग्राम में डिक्लेयर होगा, ये तो प्रोसीजर है, इससे पहले मेन प्रोग्राम कोई होगा, मेन प्रोग्राम के अंदर एक एरे बना हुआ होगा, ठीक है, मेन प्रोग्राम में एक एरे बना हुआ होगा माय एरे के नाम से, माय एरे की जो इस माय एरे में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कुछ, माय एरे होगा बाइट टाइप का होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 10, 20, 30, 40 कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बहरहाल ये क्या करेगा, उसकी लेंथ मालूम करेगा, उसकी लेंथ को रख देगा ECS में ताकि लूप चले उतनी मरतबा, फिर L1 करके एड EX माय एरे, माय एरे ESI की वैल्यू शुरू में क्या है, जीरो, क्योंकि आप ESI में क्या रखवाया था, जीरो, ESI जीरो का माय एरे ESI की वैल्यू जीरो, तो माय एरे जीरो इंडेक्स करेंगे पहली वैल्यू, माय एरे की पहली पहली वैल्यू एक्सेस होगी और वो ऐड हो जाएगी EX के अंदर, EX की वैल्यू जीरो है लेकिन माय एरे की पहली वैल्यू हो सकता है 10 हो, ठीक है, सकता है इसकी वैल्यू पहली 10 हो, तो ये 10 जो है वो EX के अंदर ऐड हो जाएगा, फिर ऐड करोगे ESI 4, ऐड करोगे ESI में 4, ESI में 4 करोगे तो ESI की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी 4, और लूप L1, L1 पर चलेगा लूप, ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, जितनी एरे की लेंथ है, अगर 3-4 एलिमेंट्स है तो 4 मरतबा लूप चलेगा, जाहिर है अगली वैल्यू पे आएंगे, अब इस मरतबा ESI की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, अभी अगले एलिमेंट को एक्सेस करेगा, ये बाइट टाइप नहीं है एरे, ये डीवर्ड टाइप है, बाइट टाइप नहीं है, डीवर्ड टाइप है, डीवर्ड टाइप है, ठीक है, जो मेन प्रोग्राम में बना हुआ होगा ये डीवर्ड टाइप है, डीवर्ड टाइप क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वो 4 का इंक्रीमेंट कर रहा है, तो 4 का इंक्रीमेंट से पता चल रहा है कि अगला एलिमेंट 4 बाइट के बाद है, तो यानी कि इसका मतलब है डेटा टाइप इसकी डीवर्ड है, इस एरे की डेटा टाइप D-word, ठीक है। तो अगले एलिमेंट जाहिर है वो 4 बाइट के बाद एक्सेस होगा एरे का, सकता है वो 20 हो, कोई भी हो मेन प्रोग्राम में, ठीक है, तो वो अगला एलिमेंट एक्सेस होगा, फिर लूप L1, उसके बाद 4 जब ऐड करेंगे ESI में 4, ऐड ESI में 4 करेंगे तो ESI की वैल्यू 8 हो जाएगी, लूप L1 तो यहाँ 4 से फिर 8 हो जाएगा, अगला एलिमेंट ऐसा होगा, इस तरह एक एक करके वो सबको ऐड कर देगा, और सबको ऐड करने के बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, और जाहिर ES के अंदर सारी वैल्यू का सम होगा, उसको उसने द सम के नाम से एक वेरिएबल है उसके अंदर रखवा देगा। तो इससे हुआ क्या,
एरे के अंदर कोई भी वैल्यू रखवा दो, ठीक है, और उन वैल्यूज को जो है वो आप ये प्रोसीजर क्या करेगा, सम कर देगा, और ये सम हम कर रहे हैं किसी फंक्शन के जरिए, और ज़ाहिर फंक्शन के जरिए सम होकर उसने ई एक्स में रख दिया, ई एक्स की वैल्यू को आप जो है वो एक किसी भी वेरिएबल में मूव करा दो, वो वेरिएबल आप जो है वो बाहर मेन प्रोग्राम में इस वेरिएबल को यूज़ कर लो, 10 सम के नाम से वेरिएबल है ये मेन प्रोग्राम में इसको यूज़ कर लो, ठीक है, तो आपको वैल्यू सारे एरे की सम होकर मिल जाएगी। तो हुआ क्या, इस एरे के जो फंक्शन है या प्रोसीजर है उसने वैल्यू रिटर्न की, कैसे रिटर्न की, इस वेरिएबल के जरिए, वेरिएबल के अंदर बस वैल्यू रख दी, इसी को रिटर्न करना कहते हैं। तो ईएक्स में भी काफ़ी थी, ईएक्स से भी उठा सकते थे मेन प्रोग्राम में, वेरिएबल में रखवा दी उससे भी मेन प्रोग्राम में उठा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम अगर क्या करें कि अगर आपको दो या तीन एरेज का सम करना हो सेम प्रोग्राम, तो बहुत आसान है, तीन मरतबा ही फंक्शन कॉल कर लेना, ठीक है ना, तीन मरतबा फंक्शन कॉल कर लेना, और हर फंक्शन के अंदर अलग अलग एरे डिफाइन करना होंगे यहाँ पे आपको, ताकि जो है वो अलग अलग जो है वो एरेज की जो है वो कैलकुलेशन हो सके। अच्छा, इस सवाल में कोई क्वेश्चन, इसमें कोई पार्ट में क्वेश्चन हो तो पूछ। क्लियर हो गया, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5। तो आपको जो है ये होगा कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का क्विज नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 पार्ट 1। ये कंडीशनल प्रोसेसिंग के ऊपर जो है चैप्टर है, जिसके अंदर हम चैप्टर में ये देखेंगे कि अपना वाइल का लूप, अपना फॉर का लूप, अपनी इफ एल्स की कंडीशन, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और पेपर में इस तरीके से सवाल आ सकता है कि इरवाइन के फंक्शन को यूज़ किए बगैर, इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन, तो ज़ाहिर इरवाइन के रेडीमेड फंक्शन कौन सा है, डॉट फाइल, डॉट फॉर, डॉट इफ, इरवाइन के रेडीमेड है ना, इनको यूज किए बगैर आपकी प्रोग्राम लिखें, आपको प्रोग्राम लिखने को कहा जाएगा, इस प्रोग्राम को लिखें आप, लेकिन इरवाइन का रेडीमेड फंक्शन कोई कॉल नहीं करना, तो फिर आपको उसके एहतियात के साथ वो काम करना होगा। और ये आपको भी सिखा देते हैं, मतलब कि आप अपने लूप कैसे बनाओगे, अपनी इफ एल्स की कंडीशन कैसे बनाओगे, वो इरवाइन की नहीं होगी बल्कि वो आपकी अपनी बनाई हुई होगी। अच्छा जी, इस स्लाइड में देखें कंडीशन ब्रांचिंग की बात हो रही है, कंडीशन ब्रांचिंग किसे कहते हैं, वही इफ एल्स हो गया, ठीक है, यानी कि अब प्रोग्रामर लैंग्वेज डेट परमिट्स डिसीजन मेकिंग लेट्स यू लेटर द फ्लो ऑफ कंट्रोल यूजिंग अ टेक्निक, जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप करते हो ना कि इफ अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये काम करो, इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ये काम करो, फॉल्स हुई एल्स पे आप कहते हो ये काम करो, ठीक है, तो ये इसको कहते हैं कंडीशनल ब्रांच। ये किसी कंडीशन के ऊपर आप ब्रांच कर रहे हो, सही हो गया तो ये ब्रांच यहाँ चली जाएगी, और फॉल्स हो गई कंडीशन तो ब्रांच यहाँ चली जाएगी, उसको कहते हैं किसी कंडीशन के बिहाफ पे प्रोग्राम को ब्रांच करना। स्विच भी है, जैसे आपने स्विच पढ़ा होगा शायद C++ में, स्विच का एक ऑप्शन होता है, स्विच में भी ये करते हैं कि कोई केस, स्विच केस होता है, केस अगर ए है तो ये काम करे, केस अगर बी है तो ये काम करे, वो भी जो है कंडीशन ब्रांचिंग के तौर पर यूज होता है। तो इफ एल्स और या स्विच जो है वो कंडीशन ब्रांचिंग का है, और इसके जरिए जाहिर है बहुत पावरफुल टूल है, इसके जरिए से डिसीजन मेकिंग लॉजिक जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं आसानी से। एक तो इरवाइन का डॉट इफ आप यूज करते हैं, लेकिन उसके बगैर भी ये काम हो जाएगा, क्योंकि इरवाइन ने जो चीज़ की है वो आप भी कर सकते हो। तो द जीरो फ्लैग इज सेट, अच्छा यहाँ पर मुख्तलिफ फ्लैग्स के बारे में याद दिहानी कराई गई है, मुख्तलिफ स्टेटस फ्लैग हमने पढ़े थे उसका रिव्यू कराया गया है,
जीरो फ्लैग आपको याद, क्योंकि ये सारा काम जो हम करेंगे ना इफ एल्स वाला, वो सारा फ्लैग की मदद से करेंगे। किसी फ्लैग की वैल्यू वन होगी तो उसका मतलब ये काम करो, किसी फ्लैग की मतलब जीरो वैल्यू जीरो होगी उसका मतलब ये काम करो। तो जो इफ एल्स वाली चीज है वो हम फ्लैग के जरिए कंट्रोल करेंगे असेंबली लैंग्वेज के। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जीरो फ्लैग, द जीरो फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इक्वल जीरो। जब किसी भी ऑपरेशन का रिजल्ट जीरो आ जाए तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, यानी कि जाहिर है कोई भी आंसर अगर जीरो आ जाए, डेस्टिनेशन में अगर जीरो आ जाए, जीरो फ्लैग जो है वो सेट हो जाता है, जीरो फ्लैग बन जाता है। आपने पढ़ लिया था कैरी फ्लैग कब सेट होता है, जब जाहिर है डेस्टिनेशन के अंदर जो है वो वैल्यू टू लार्ज हो या टू स्मॉल हो, टू लार्ज हो ठीक है या टू स्मॉल हो, या उसके साइज से ज्यादा हो, जैसे 8-8 बिट को ऐड किया 9 बिट आ गई तो ये कैरी प्रोड्यूस हो गया, तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा। साइन फ्लैग हमने पढ़ा था, साइन फ्लैग कब होता है, जब डेस्टिनेशन के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, माइनस के अंदर कोई वैल्यू आ जाए डेस्टिनेशन में, तो साइन फ्लैग क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, साइन फ्लैग बन जाता है। फिर हमने पढ़ा था ओवरफ्लो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग क्या हुआ, ये कब सेट होता है, जब मैंने आपको बताया था जोड़ ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है उसके साथ, यानी कि सिक्स और सेवन कैरी के, सिक्स और सेवन बिट्स के साथ जो है वो आपस में जोर ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और उसके बाद अगर वो जोर ऑपरेशन के बाद अगर जीरो आता है तो सेट हो जाता है, वरना वो मतलब जोर ऑपरेशन के जो पैरामीटर्स हैं सेम बिट पे जो है वो जीरो होता है, डिफरेंट बिट पे वन होता है, तो वो इस तरह से काम करता है ओवरफ्लो फ्लैग। या पढ़ चुके हैं पहले पैरिटी फ्लैग, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट में इवन नंबर ऑफ वन हो, ये हम भी पढ़ चुके हैं पहले, तो पैरिटी फ्लैग वन हो जाता है। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब क्या है, जब कैरी प्रोड्यूस होती है तीसरी से चौथी बिट पर, पहली बिट जीरो कहलाएगी, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो जो तीसरी से चौथी बिट पे जो कैरी प्रोड्यूस होगी तो उस सूरत में ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है। तो ये कैरी ये रिव्यू करवाया था कि भाई ये फ्लैग्स आपको इसलिए रिव्यू कराए जा रहे हैं कि इन्हीं से फ्लैग हम यूज़ करेंगे, ताकि कोई भी इफ एल्स की कंडीशन अपनी बनानी है तो इन फ्लैग्स की बिहाफ पे हम काम ये कर सकते। आते हैं एंड इंस्ट्रक्शन की तरफ, एंड इंस्ट्रक्शन की है लैब में, एंड से काम किया, एंड रजिस्टर टू रजिस्टर, एंड रजिस्टर टू मेमोरी, ये किया लैब में। सही, तो आप इससे वाकिफ हैं कि एंड और इंस्ट्रक्शन जो है एंड करके एंड डेस्टिनेशन और फिर सोर्स, बुलियन बिटवाइज एंड ऑपरेशन है। आपको एंड का तो पता ही है कि जब तक दो जितनी बिट्स हैं सब वन नहीं हो जाती, रिजल्ट वन उस वक्त तक नहीं आएगा, सारी बिट्स वन होंगी तब रिजल्ट वन आता है, एक बिट भी जीरो हो गई तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो एंड ये इसके अलाउड पैरामीटर हैं, एंड दो रजिस्टर के दरमियान हो सकता है, एंड रजिस्टर और वेरिएबल के दरमियान, एंड रजिस्टर और इमीडिएट वैल्यू यानी कि नंबर के दरमियान, बाइनरी नंबर लिख दो आप कोई और रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हो बाइनरी में तो एंड हो जाए। इस तरह एंड किसी वेरिएबल और रजिस्टर के दरमियान, एंड किसी वेरिएबल और इमीडिएट वैल्यू के दरमियान, नंबर के दरमियान, ये इसके अलाउड पैरामीटर्स हैं। तो ऑपरेंड्स कैन बी 8, 16 और 32 बिट, 8 बिट के भी ऑपरेट हो सकते हैं, 16 बिट के भी हो सकते हैं और 32 बिट के भी ऑपरेट हो सकते हैं, एंड दे मस्ट बी द सेम साइज। ये बात देखिए, ये लिखा ना मस्ट बी द सेम साइज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनेशन और सोर्स है दोनों का साइज बराबर हो, जब भी तो एंड करेगा, यानी ये भी 8 बिट का हो तो ये भी 8 बिट का हो, तब को एंड हो जाएगा, ये 16 का हो ये भी 16, ऐसा नहीं होना चाहिए एक 8 बिट का एक 16 बिट का, एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा। इसलिए लिखा है मस्ट बी ऑफ द सेम साइज, डेस्टिनेशन ऑफ जितने भी ऑपरेंड्स हैं, जितने भी ऑपरेंड्स आप यूज करेंगे, दे मस्ट बी ऑफ सेम साइज।
फॉर ईच मैचिंग बिट इन द टू ऑपरेंड द फॉलोइंग वैल्यूज अप्लाई. ये तो आपको पता है ऑपरेशन में दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्ट वन आएगा, वरना रिजल्ट जीरो आ जाएगा. अच्छा फिर ये देखें इसका ये ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल भी आपको पता है एंड इंस्ट्रक्शन का जो ट्रुथ टेबल है ये आपको पता है इससे वाक्य का. ठीक है एंड सेंटेक्स ऐसे ही होगा, एंड लिखोगे फिर डेस्टिनेशन लिखोगे फिर सोर्स. अच्छा यहाँ पर देखिए तो ऑपरेंड टाइम जिसका वजह से मूव किया है ऑपरेंड्स आप डिफाइन करते हो उस तरीके से, एंड के ऑपरेंड भी जो है आप डिफाइन कर सकते हो. अब यहाँ पर आप देखो ये मुख्तलिफ बिट्स दिखाई गई हैं, ये ऊपर ऊपर की ऊपर वाली बिट्स हैं. ठीक है ऊपर वाली बिट्स है जिनका एंड ऑपरेशन करवाया जा रहा है 00111011, और नीचे वाली बिट्स है 4×0 4×1. अब यहाँ पर देखो नीचे वाली जीरो में अगर जब सारी जीरो हों, जब बिट सारी जीरो हों तो किसी के साथ भी एंड कराओगे जवाब क्या आएगा जीरो, यानी कि क्लियर हो जाएंगी बिट्स, क्लियर हो जाएंगी जीरो हो जाएगी सारी जीरो, किसी के साथ भी एंड होगा तो क्लियर हो जाएगा. और वन ये जो वन है वन को अगर आप किसी सारे माने ना चारों के चारों वन है, इन चारों के चारों वन को किसी के साथ भी एड किसी भी वन को किसी के साथ भी एंड कराओगे तो जवाब वही आ जाएगा जो इसके साथ एंड करवा रहे हो 1011 दोबारा वापस आ जाएगा, यानी कि वैल्यू इज अनचेंज्ड, वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आप उसको वन के साथ एंड कराओगे. अगर आप उसको जीरो के साथ एंड कराओगे तो वैल्यू क्लियर हो जाएगी, अगर किसी भी वैल्यू को वन के साथ एंड कराओगे तो वैल्यू वापस वही आ जाएगी, वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी. ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? जीरो के साथ एंड कराने से जीरो आता है, वन के साथ एंड कराने से वही वैल्यू वापस आती है. अब देखें द एंड इंस्ट्रक्शन, अब आपको देखो यहाँ पे दिखाया है द एंड इंस्ट्रक्शन लेट्स यू क्लियर. अगर आपसे कहा जाता है कि एक किसी भी बिट को क्लियर कर दो, किसी एक बिट को क्लियर कर दो बाकी बिट्स अफेक्ट ना हो, किसी भी बिट को क्लियर कर दो, तो आसान तरीका क्या है आप उसकी बिट मास्किंग करोगे. बिट मास्किंग कैसे करोगे, जाहिर है अगर आपसे कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल जीरो और थर्ड बिट को क्लियर कर दो, जीरो और थर्ड बिट को क्लियर कर दो, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि आप जीरो, ये जीरो बिट है और ये थर्ड बिट है, उसको जीरो के साथ आप क्या करोगे एंड, क्योंकि जीरो के साथ जब एंड कराओगे तो ये बिट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है यानी कि इन दोनों के नीचे जीरो के साथ उनको एंड करवा देना. ये कुछ हो सकता है कुछ भी हो, पहले हो सकता है इनमें कोई नंबर रखा हुआ हो 1 1. ठीक है लेकिन जब आप उसको जीरो के साथ एंड कराओगे तो ये जीरो हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे. ये बात समझ में आ गई, ये किसी भी अगर आपसे कहा जा रहा है जीरो थर्ड तो जीरो बिट ये रही थर्ड बिट ये रही, हो सकता है यहाँ पर 1 1 हो पहले, लेकिन जब उसको जीरो के साथ एंड करवाया तो जीरो भी क्लियर हो गई और थर्ड बिट भी क्लियर हो गई. तो किसी भी खास बिट को क्लियर करवाना हो तो उसको जीरो के साथ आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दो तो वो बिट क्लियर हो जाएगी, और बाकी सबके साथ क्या लिख दो आप 1, बाकी सबके साथ 1 लिख दो, तो बाकी सबके साथ 1 लिख दोगे तो जाहिर है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि इस ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से एंड कराओगे तो जीरो और थर्ड बिट जो है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वहीं पर हम जीरो यूज कर रहे हैं और जहां 1 यूज कर रहे हैं तो वो बिट्स वापस आ जाएंगी एज इट इज. क्लियर है? क्या हुआ, रिप्लाई नहीं आ रहा? लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, 13 पार्टिसिपेंट नजर आ रहा है. क्लियर क्लियर. तो यहाँ पर देख लीजिए ये एंड एग्जांपल की बारे में बता रहे हैं. मूव एल, एल के अंदर आपने ये बिट्स को मूव करा दिया 1010110 और फिर एंड करवा दिया एल को इनके साथ, ये अलग बिट्स हैं. ठीक है तो जाहिर है एल के अंदर तो ये बिट्स थी, इसके साथ इसको एंड करा दिया, रिजल्ट ये आ गया, वही जो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो ये रेडीमेड फंक्शन एंड का, ये एंड ऑपरेशन का मतलब ये रिवाइंड का नहीं है, एंड जो है ये एंड इंस्ट्रक्शन है जो कि असेंबली की अपनी है. ठीक है असेंबली की अपनी इंस्ट्रक्शन एंड की है.
अच्छा और इंस्ट्रक्शन आ गई, और इंस्ट्रक्शन काम क्या करेगी, जाहिर है और का पता है, एक बिट भी आप वन हो गई रिजल्ट वन आता है, आउटपुट इज बिट इज वन, मैंने एटलीस्ट वन होता है इनपुट बिट इज वन, एक बिट भी वन होगी तो जो है आंसर इसका वन आता है और ऑपरेशन का। ये इसके अलाउड पैरामीटर्स हैं और क्या, ठीक है, और करा सकते हो दो रजिस्टर के दरमियान, रजिस्टर वेरिएबल के दरमियान, रजिस्टर वैल्यू के दरमियान, वेरिएबल रजिस्टर के दरमियान, वेरिएबल वैल्यू के दरमियान। और ये आप देखो एग्जांपल दिखाई गई है और ऑपरेशन की, इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर किसी ये ऊपर नंबर है 0000111, ठीक है, ये ऊपर नंबर दिया हुआ, नीचे अगर चार बिट को जीरो के साथ और कराया, जीरो के साथ स्कोर कराओगे तो वैल्यू वापस वही आ जाएगी 0011, यानी कि वैल्यू अनचेंज रहेगी। अगर जीरो के साथ और कराओगे किसी भी वैल्यू को तो वो वैल्यू पलट के वापस आ जाएगी, और किसी भी वैल्यू को ये ऊपर 1011 है इसको अगर आप 1 के साथ और करा दोगे, 4 1 है, ठीक है, तो अगर आप 1 के साथ और कराओगे तो वो होगा क्या कि सारी की सारी बिट सेट हो जाएंगी, यानी कि सब 1 हो जाएंगे, सब सेट हो जाएंगे, एक वैल्यू 0 थी ये भी 1 हो जाएगी, बाकी जो 1 थी वो तो 1 ही रहेगी जाहिर है, लेकिन जितने भी 0 होंगे वो भी सारे 1 हो जाएंगे। ऑल बिट्स बिकम 0 और सॉरी ऑल बिट्स बिकम 1 व्हेन वी एंड एनी बिट्स विद 1, ठीक है, किसी भी बिट्स को 1 के साथ एंड करोगे तो ऑल बिट्स जो है जो रिजल्ट में वो भी 1 हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजें आ सकती है कि आपसे कहा जा रहा है कि फॉर एग्जांपल दूसरी बिट को सेट कर दो, दूसरी बिट को सेट कर दो, बाकी दूसरी बाकी मानदा बिट जो है वो अनचेंज रहे, लीव अदर अनचेंज, बाकी मानदा बिट्स अनचेंज रहे, सिर्फ सेकंड बिट को जो है वो सेट कर दो, सेकंड बिट को 1 कर दो। तो आप देखो ये 0 बिट है, ये 1 बिट है, ये 2 बिट है, सेकंड बिट ये है, इसको 1 कैसे किया, इसको 1 के साथ एंड कर दिया, बाकी सब बैकवन के साथ एंड करिए तो ये जाहिर वन हो गई, बाकी सबको जो है वो जीरो रखोगे तो अनचेंज रहेगा। तो ये और इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर दिखाया गया है और इंस्ट्रक्शन, ये वैल्यू है ये आपने एल में मूव करा दी और इस वैल्यू को फिर आपने इसके साथ एंड करा दिया, जवाब ये आ गया एल के अंदर, यह एल क्यों यूज करें क्योंकि आपको पता है एल तो 8 बिट का ही होता है ना, तो 8 बिट ही रखवानी है हमने, 8 बिट ही रखवानी है, इसलिए एल यूज किया। लेस देन अ मिनट दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, डिस्कनेक्ट होने वाला कनेक्शन, तो मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ।